हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप प्यारे बच्चों। आज हम आपकी क्लास थर्ड की मैथ पर जो स्माइल 3.0 का होमवर्क आया वो करेंगे। तो बच्चों, अगर आप हमसे कुछ पूछना चाहते हैं या आप हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं तो हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कीजिए, लर्न विद भारत अरोड़ा। उसमें आप हमसे कमेंट कर सकते हैं, कुछ पूछ सकते हैं, कुछ बता भी सकते हैं। तो आप टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कीजिएगा। चलो बच्चों, अब शुरू करते हैं गणित का होमवर्क में। पहला सवाल है, माला में खुले मोती मिलाकर गिनिए और संख्या लिखिए। तो बच्चों, माला में, कुल माला में 10 मोती हैं, आप गिन लो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो 10 कहाँ लिखना है आपको? इस वाले बॉक्स में लिखना है, ठीक है। जितनी भी माला, इसमें 10 मोती हैं और खुले मोती कितने? 1 2 3, वो आप यहाँ लिखोगे। अब इन दोनों को जोड़ दोगे, 10 और 3 13, ठीक है। आपको यहाँ 13 लिख रहे हैं। अगले, ये भी बच्चों 10 मोती हैं तो 10 यहाँ लिख दिए। फिर खुले मोती 1 2 3 4 5 6 6 यहाँ लिख दिए। अब आप जोड़ लो, 10 + 6 तो हो गए 16। ये भी 10 मोती हैं बच्चों और खुले हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ये भी 10 हैं तो हो गया 10 और 10 20 होते हैं। तो 20 हमने यहाँ बॉक्स में लिखी है, ठीक है। अगले चलते हैं बच्चों, माला के मोती गिनकर लगे कार्ड पर संख्या लिखिए। तो बच्चों देखिए, यहाँ पर एक सवाल हल करके दिया हुआ है। ये देखो एरो लगाओ ना, ये 1 और 2 मोती लिए, वो यहाँ लिख दिए। अब ये जो लाइन है ना, इसके अंदर अंदर हमें जो ये मोती है इनको गिनना है। 1 2 3 4 5 6 तो 6 यहाँ लिख दिया। 2 और 6 कितने होते हैं? 8 होते हैं। अगली माला में हमें गिनने मोती। तो देखो बच्चों, यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 7, तो 7 हम यहाँ लिखेंगे। अब देखो जो ये निशान लगा हुआ है ना, तो ये मोती हमें गिनने हैं 1 2 3 4 5, तो 5 यहाँ हो गए, ठीक है। 7 और 5 होते हैं 12। अगला है, चित्रों को गिनकर खाली स्थान भरिए। तो बच्चों ये जितने हैं, ये कितने हैं? ये जो गेंदे दे रखी हैं, कुछ भी बोलो, यहाँ गोले हैं, ये कुल 10 होते हैं। ये जितने भी है ना, ये 10 10 है, ठीक है। तो ये हो गया 1 दहाई। 10 का मतलब होता है 1 दहाई। तो यहाँ पर आप क्या लिखोगे? इसके स्थान पर 1 दहाई पर लिखोगे 1 खुले, यहाँ पर इकाई 1 2 3, इकाई के स्थान पर लिखोगे आप ये 3 और जोड़ोगे तो हो जाएगा 13। 10 ये हो गए और 3 ये हो गए, 10 और 3 13। चलो बच्चों, अब आगे करते हैं। देखो बच्चों, ये है 10, ठीक है। 10 का मतलब 1 दहाई, आपको यहाँ 1 लिखना है। और हरे जो है मोती, 1 2 3 4 5 6 6 आपको यहाँ लिखने। जो ये पर्पल है वो 1 आएगा इधर, और ये खुले हैं, आपको 1 1 गिन के लिखने हैं, ठीक है। इसका मतलब कितना हो गया? 10, और ये तो 6 है ही सही। 10 और 6 होते हैं 16। ये भी बच्चों 10 है, यानी 1 दहाई है। ये क्या है? 1 दहाई और 1 इकाई। दहाई के स्थान पर 1 हमने यहाँ लिख दिया, इकाई के स्थान पर 1 यहाँ लिख दिया। अब ये तो हो गया 10 और ये हो गया 1। 10 और 1 कितने होते हैं? 11 होते हैं। आगे भी बच्चों आपको ऐसे ही करना है। ये हो गया 1 दहाई, तो दहाई के नीचे आप क्या लिखोगे? 1 और 1 2 3 4 5, 5 आप यहाँ लिखोगे। अब इसको क्या मानते हैं? 10 होता है ये, ठीक है। 1 दहाई का मतलब 10 और प्लस में 5, 10 और 5 हो गए 15। तो ये भी बच्चों 1 दहाई है, तो 1 लिख देंगे यहाँ, 1 2 2 यहाँ लिख देंगे। ये हो गया 10 और ये हो गया 2, 10 और 2 होते हैं 12। अगला बच्चों, ये भी 1 दहाई है और ये है 1 2 3 4 5 6 7। दहाई के स्थान पर 1 लिखना है और इनको खुला लिखना है 7। तो ये हो गया 10 और ये हो गया 7, 10 और 7 17। ये हो गया बच्चों 1 दहाई और दूसरी भी दहाई है ये, ठीक है। 1 दहाई और ये भी 1 दहाई, यानी 10 और 10 20। तो 2 दहाइयां होगी, इकाई कुछ नहीं है तो हमने 0 लिख दिया। ये हो गया 20। ये है बच्चों 1 दहाई और ये गिनना पड़ेगा 1 2 3 4। दहाई के स्थान पर 1 लिखा और इकाई के स्थान पर 4, 10 और 4 हो गए 14। ये बच्चों 10 है, इकाई कोई भी नहीं है, तो दहाई के स्थान पर 1 लिख देंगे और इकाई के स्थान पर 0 लिखेंगे। 10 और 0 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? 10 और 0 जोड़ेंगे तो 10 ही रहेगा, ठीक है बच्चों, तो इस तरह से आपका आज का स्माइल 3.0 का होमवर्क कंप्लीट होता है। अगर आपको समझ में आ गया तो ठीक है, नहीं तो एक बार और वीडियो देख लीजिएगा, आपको बिल्कुल अच्छी तरह से समझ में आ जाएगा। ठीक है, और टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कीजिएगा, हम आपकी पूरी मदद करने की कोशिश करेंगे। थैंक यू, हैव अ गुड डे।